गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज के दिन में का सबसे पहला काम है पापा की वैक्सीन लगवाना। मेरे और मम्मी की तो दोनों वैक्सीन लग चुकी थी, बट पापा की एक वैक्सीन लगनी रह गई है। तो अभी हम लोग चलते हैं पापा, सबसे पहले पापा की वैक्सीन लगवाते हैं एंड उसके बाद चलते हैं। एंड ऑल्सो मैरी क्रिसमस टू ऑल माई व्यूअर्स। आज क्रिसमस है तो क्रिसमस के ब्लॉग कुछ स्पेशल रहने वाला है। चलो चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं दयालबाग वैक्सीन सेंटर पे। हमारे घर के सबसे पास यही वाला वैक्सीन सेंटर था। मैंने और मम्मी ने भी इसी वैक्सीन सेंटर पे वैक्सीन लगवाई थी और पापा के भी फर्स्ट डोज इसी वैक्सीन सेंटर पे लगी है। ओके, तो यहाँ पे कुछ गर्मा गर्मी होते हुए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो अभी पापा की वैक्सीन नहीं लग पाई है क्योंकि इन लोगों ने लेट चढ़ाई थी पापा की फर्स्ट डोज। अभी 84 डेज नहीं हुए हैं इनके अकॉर्डिंग वैक्सीन लगे हुए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ दिन बाद आएंगे। जैसे ही पापा के 84 डेज कंप्लीट हो जाएंगे हम वैक्सीन लगवा लेंगे पापा के आके। अभी आ गए हैं पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल पड़वाने एक्टिवा में। तो टंकी फुल हुई है 450 रुपये में एक्टिवा की। घर आ चुके हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों के न्यू ईयरफोन आ गए हैं, डिलीवर हुए हैं। अभी हम इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। इनका नेम है डिफाई क्रेस्ट एक्स और ये कंपनी गुरु रंधावा ने लॉन्च करी है। तो अभी मुझे ये प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिला है 500 रुपये में। अब इसका प्राइस हो चुका है 900 रुपये का। ओके, तो चेक करते हैं कैसे हैं ये ईयरफोन। सबसे पहले इसे अनबॉक्स करेंगे। इसके आप फीचर्स देख सकते हो, पावरफुल 10 mm का ड्राइवर है इसमें, IPX4 वाटर रेजिस्टेंट है और आपका गेमिंग मोड भी है इसमें। गेमिंग मोड भी है फॉर लो लेटेंसी, ठीक है। पीछे गुरु रंधावा का फोटो है एंड बॉक्स पे जो एक्सेसरीज लिखी हुई मेंशन है वो है 1 ईयरफोन, USB टाइप सी चार्जिंग केबल, 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयरबड्स, एक मैनुअल, एक वारंटी कार्ड। तो ईयरफोन दिखने में ऐसे कुछ हैं। ग्रीन कलर मैंने लिया है इनका। यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग भी मेंशन्ड है और ये यहाँ पे बटन दे रखे हैं इन्हें ऑपरेट करने के लिए, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड पॉज। ये जो पॉज वाला बटन है इसी से ये ईयरफोन स्टार्ट भी होता है, मैग्नेटिक स्विच से ऑन ऑफ नहीं होता है। बॉक्स में और ये भी आया है साथ में, 2 एक्स्ट्रा पीस ऑफ ईयरबड्स स्मॉल एंड लार्ज, एक टाइप सी केबल है छोटी सी, आपका 1 साल का वारंटी कार्ड है विद द ईयरफोन एंड ये आपका यूजर मैनुअल है। साउंड क्वालिटी मैं आपको सुन के बताता हूँ कैसी है ईयरफोन की। ओके, तो ईयरफोन हमने कनेक्ट कर लिया अपने फ़ोन से। अब हम इनकी आवाज़ सुन के देखते हैं कैसी आवाज़ है। ओके, तो हम लोग ईयरफोन्स को अभी करीबन 10 मिनट से इस्तेमाल कर रहे हैं एंड साउंड क्वालिटी मुझे ईयरफोन्स की ठीक लगी है, इट्स गुड। जैसे मेरे वन प्लस के ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी थी वैसी इनकी अभी आ रही है। जस्ट दैट इसमें मैग्नेटिक स्विच नहीं है एंड जो प्लास्टिक यूज़ किया गया वो वन प्लस का थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम यूज़ होता है। इसमें आपको बटन से ऑन ऑफ करना पड़ेगा, वन प्लस में आपका मेरा मैग्नेट से ही ऑन एंड ऑफ हो जाता था, तो वो थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट था इससे। अदरवाइज इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ईयरफोन में, ये भी अच्छे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों के घर के नियर बाय फूड कोर्ट पे आए थे जिसका नाम है ओम सही फूड कोर्ट।
और ये काफ़ी सजा हुआ है क्रिसमस की वजह से, दिखाता हूँ आपको। ओके, तो हमारा फूड आ चुका है। फूड में हमने बर्गर मंगाए हैं सबसे पहले, तो आइए आपको दिखाता हूँ। भाई गोरा मोरा मिल रहा था, ये मेरा दोस्त है विपुल। तो सेकंड राउंड आ चुका है, कोल्ड ड्रिंक एंड गार्लिक ब्रेड, एक पेटीज भी। सो फ्रेंड्स, हम लोग अपना बाहर खाने के बाद हम लोग घर पे आ गए थे, और अभी टाइम हो रहा है रात के 10 बजे। तो अभी का अपडेट ये है कि एलेक्स यूजुअली सो ही रहा है बिस्तर पे, और मैं भी अपना काम ही कर रहा था वीडियो एडिटिंग का। पापा भी टीवी देख रहे हैं, टीवी पर मोदी जी बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन बहुत बढ़ रहा है, तो सब लोग अपने घर में रहें और कभी भी ज़रूरत के लिए बाहर निकलें, और मास्क को ज़रूर पहने रखें। हमें याद रखना चाहिए सेकेंड वेव बहुत ख़तरनाक था। ऐसा कुछ है मेरा सेटअप ब्लॉगिंग, आप देख सकते हो। अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं अपना ब्लॉगिंग सेटअप, और मम्मी को देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी कुछ खा रही हैं, क्या खा रही हूँ मम्मी? मैगी खा रही हूँ। मैगी मम्मी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, कम मैगी खाया करो। मैगी भी कोई खाने की चीज़ है, बोलो। हाँ। क्या? हाँ, टेस्ट अच्छा होता मैगी का। बच्चों के पेरेंट्स तो अपने बच्चों को मना करते हैं कि मैगी मत खाया करो, मैगी मत खाया करो, और यहाँ देखो मेरे घर में मुझे ही अपनी मम्मी को मना करना पड़ रहा है, मम्मी मैगी मत खाया करो। तुम समझदार हमारे घर में? वो तो हुई मैं समझदार। और मम्मी बताओ अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ। मम्मी अपना इंट्रोडक्शन दो हमारे व्यूअर्स को। क्या अब इंट्रोडक्शन होता है कि अपने बारे में बताओ, अपना नाम बताओ, आप कहाँ रहती हो, और आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी करी है, कहाँ तक पढ़ी करी है, वो सब बताओ। चलो मम्मी भी खा रही हैं फ्रेंड्स, मम्मी खाना खा लें फिर आपको बताएगी मम्मी इंट्रोडक्शन। हाँ तो फ्रेंड्स, मम्मी अब हमको अपना इंट्रोडक्शन नहीं है, मम्मी हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताओ प्लीज। हमारा नाम आशा पांडे है, और 3 बच्चे हैं हमारे, मेघा पांडे, नेहा पांडे, अर्पित पांडे। अच्छा। हाँ। अभी अर्पित रह गए, लड़कियाँ तो फिर सेटल हो गई। और क्या बताएं, और जो भी आपको क्या अच्छा लगता है ये बताओ, क्या अच्छा लगता है आपको? क्या किस में? खाने में? हाँ सब अच्छा लगता है खाने में, हर चीज खा लेते हैं। क्या एक्टिविटी क्या करने में अच्छा लगता है, ऐसा कौन सा काम है जो आपको करके खुशी मिलती है? हमें तो बस बच्चे ही पढ़ रहे हैं हमारे, बस यही काम है हमारा। तो मनु रह गए अकेले। कौन मनु? मनु अर्पित पांडे जॉब वॉब करने लगे। अच्छा। उसी हिसाब से बस सही है, बाकी हम लोग तो अपना चल ही रहा है हमारा। पापा रिटायर हैं इनके। ये तो आपकी इच्छा हो गई मम्मी, ये बताओ आपको ऐसा कौन सा काम है जो आपको करने में अच्छा लगता है? पौधे, जैसे कुछ लोगों की हॉबी होती है गार्डनिंग करना, पौधे लगाने में, पौधों की सेवा करने में अच्छा लगता है, पौधे लगाने में अच्छा लगता कुछ है। को खाना बनाने में अच्छा लगता है, कुछ को साफ सफाई करना अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से सबसे ज़्यादा आपको क्या करने में अच्छा लगता है? गार्डन में अच्छा लगता है, पौधे लगाओ। हाँ। गमले तैयार करो। हाँ। और टाइम से पानी दो,
खाना खिला रहे हैं टाइम से। हाँ, तो आप ये समझ लो फ्रेंड्स, मम्मी का फेवरेट काम है खाना खिलाना, वो चाहे पौधे हो चाहे हम लोग हो। हम लोगों को भी मम्मी रोज़ टाइम से खाना खिला देती हैं और पौधों को भी रोज़ टाइम से पानी पिला देती हैं। और सिर्फ हमारी मम्मी नहीं, इंडिया की सारी मम्मियाँ का यही फेवरेट काम है कि उनके बच्चों का पेट भरा रहे, इसलिए वो हमेशा खाना बनाती हैं रोज़ हम लोगों के लिए, चाहे उनकी तबीयत ठीक हो चाहे ठीक ना हो। सही बात है। पापा लोगों की संडे को छुट्टी हो जाती है, बच्चों की भी संडे को छुट्टी हो जाती है, बट मम्मी की छुट्टी कभी नहीं होती है। मम्मी रोज़ खाना बनाती हैं, पापा लोग रिटायर हो जाते हैं, बट मम्मी कभी रिटायर नहीं होती हैं। कभी रिटायर नहीं होंगी, मतलब रिटायर हो जाएंगी जब मैं नौकर लगवा दूंगा घर में जल्दी। हाँ वो तो बहुत दूर की बात है, उसकी मत सोचो अभी। अच्छा चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं। मम्मी ने अपने बारे में बता दिया हमको। ओके फ्रेंड्स, तो मम्मी से तो हम मिल लिए, अब हम आपको मिलवाते हैं अपने पापा से। पापा, देश में इतना कोरोना फैला है, आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? देश में कोरोना इतना फैल रहा है पापा, आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई मास्क लगा के घूमे, बगैर मास्क तो घर में से बाहर ही नहीं निकलना, और हाथ धोते रहे बराबर, सैनिटाइजर हर समय अपने साथ रखे। और आज हम लोग पापा वैक्सीन लगवाने गए थे, वैक्सीन नहीं लग पाई, और गलती उसकी थी जिसने आपका वो ही नहीं चढ़वाया था कि आपने पहली वैक्सीन लगा ली है। गलती तो उसकी है, हमको और इंतजार करना पड़ेगा 7-8 दिन। कोरोना जिस स्पीड से बढ़ रहा है, आज लग जाती तो हम फिर फ्री होके घर पे आराम से बैठते। तुम भी मास्क लगाया करो, मास्क नहीं लगाते हो, घूमते रहते हो। मास्क तो लगाता हूँ पापा मैं पूरे टाइम, सारे वीडियोस में मैंने मास्क लगाया हुआ है। चलो बगैर मास्क के घर के बाहर नहीं निकले बिल्कुल भी, अदरवाइज वो स्थिति आ जाएगी घर पर भी मास्क लगाना पड़ेगा। तो सुन लिया फ्रेंड्स, मास्क लगाए रखें कोरोना से बचना है तो। मम्मी पापा को भी कोरोना हो गया था सेकंड वेव में, पापा की तबीयत तो बहुत ख़राब हो गई थी, पर बाय गॉड ग्रेस अभी सब ठीक है और सब ठीक रहेगा। और ये है एलेक्स, ये आपको हमेशा सोते हुए मिलते हैं, ये इनका रेयर मोमेंट है कि ये जगे हुए हैं, है ना अली? खाना तैयार है, देखते हैं आज खाने में क्या बना है। क्या है मम्मी? है टमाटर, आलू, सब्जी, चावल फ्राई और रोटी। ओके ओके फ्रेंड्स, तो खाना खा लेते हैं। अचार भी दे दो मम्मी, मिर्च का और उसका मूली का। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने सजेशंस के लिए वीडियो पे कमेंट भी करें, और हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। कल एक नए दिन की और एक नए ब्लॉग की शुरुआत होगी, तो हमारे साथ बने रहिए। अलविदा।